बिलाल और जफर अली कहाँ हैं अरशद? कौन बिलाल, कौन जफर अली? ऑफिसर तुम, तुम्हारी हुकूमत और तुम्हारे लोग काफिर हो, और एक दिन तुम सभी को मेरे भाई अरशद तू जानता है ना कि तू कहाँ है इस टाइम और तेरे साथ क्या क्या हो सकता है। जिस रोज की तू बात मेरे देश के लिए कर रहा है वो तेरे साथ भी हो सकता है। खौफ नहीं है मुझे किसी भी चीज का, मेरे आका। आका? तुझे तेरे आका का नाम भी पता है? तेरे ऐसे लड़के उनके लिए सिर्फ एक सुसाइड बॉम्ब है। अरशद मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बिलाल और जफर अली कहाँ हैं? बाढ़ में जा। ठीक है। बिलाल और जफर अली कहाँ हैं अरशद? बाढ़ में जा। साहिल, बिलाल और जफर अली की लोकेशन का पता चल गया है, जल्द से जल्द उनकी लोकेशन पे एक ट्रूप भेजो। ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? वो सब ठीक है ना? अबे तेरी दिवाली वाली लीव अप्रूव हो गई है, ये देख अभी आया लेटर। फाइनली हम में से कोई तो अपनी फैमिली के साथ दिवाली मना पाएगा। कैसी बात कर रहा है यार, तुम सब भी तो मेरा परिवार हो। हाँ, वो परिवार जो साल में 365 दिन बॉर्डर पे खड़े होके दुश्मनों के साथ दिवाली मनाता है। बात तो ठीक है। अबे सोच क्या रहा है, जल्दी जा और सामान पैक कर इससे पहले कि मेजर साहब का मूड बदले। सही कह रहा है। जय हिंद। भाई आप आ गए, नहीं तो मुझे और पापा को लग रहा था फिर दिवाली आपके बगैर मनानी पड़ेगी। ऐसे कैसे, इस बार मैंने लीव एप्लीकेशन एक महीने पहले ही डाल दी थी और वैसे भी बॉर्डर पर सिचुएशन एकदम ठीक है तो छुट्टी तो मिलनी ही थी। अच्छा किया आप आ गए, अब ना काम जो है आपस में बांट लेंगे, अब मेरे को अकेले को नहीं करना पड़ेगा। अरे नालायक, अपने भाई से चाय पानी तो पूछ ले, ये काम भी मैं करूँ। अरे सॉरी पापा, मैं भैया के आने का एक्साइटमेंट भूल गया, आप लोग बात करो मैं चाय लेके आता हूँ। अरे मुझे नहीं पीनी चाय, तुम दोनों को सही देख लिया मेरे लिए इतना ही काफी है। बेटा तेरी ड्यूटी तो सही जा रही है ना,
सब ठीक है पापा, और वैसे भी एक सोल्जर की ड्यूटी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन देश की सेवा करने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। इससे बढ़कर और कोई खुशी हो सकती है? भाई, आप देश के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हो, अपनी फैमिली, अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर रहे हो, क्यों? ताकि दूसरे आराम से रह सके। मुझे और पापा को आप पे बहुत गर्व है। तुम लोगों का प्यार और सम्मान मेरे लिए सब कुछ है। अच्छा बच्चों, ये सब तो ठीक है, परसों दिवाली है, दिवाली का क्या प्लान है? अरे पापा, पूरी रीति रिवाज के साथ दिवाली मनाएंगे, डोंट वरी। पापा आप तो खामखा की टेंशन लेते हो, भाई आ गए, मैं और भाई मिलके सब संभाल लेंगे। आप यूट्यूब पे भजन सुन लो। अच्छा ठीक है मेरे बाप, ला फोन दे मेरा। यकीन नहीं होता हमारे इतने कड़े पहरे के बाद वो बचकर कैसे निकल गए। वो दोनों बहुत शातिर हैं, लोकल लोगों के बीच छिपकर उन्होंने मौके का फायदा उठा लिया। हमें उन्हें उनके मंसूबों को पूरा करने से रोकना होगा, क्योंकि ये जो भी होने वाला है बहुत बड़ा होने वाला है। मैंने पहले से ही एडिशनल रिसोर्स के लिए हायर कमांड को रिक्वेस्ट किया है, हमें जल्द ही मदद मिलेगी। गुड ऑफिसर, तुम वहाँ लोकल लोगों को कोऑपरेट करने के लिए बोलो, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। जी सर, जय हिंद। जय हिंद। अरे वाह भाई वाह, दोनों ही लोग रख रहे हो, क्या बात है आज तो। चल चल मस्का मत मार, मुझे सब पता है। भाई इनकी तारीफ भी करो ना, तब भी ये ऐसी करते हैं, इन्हें लगता है इनकी फिरकी ले रहा हूँ, हद है। हाँ ठीक है, अब पूजा कर लें। तो आप दोनों चलो ना, पहले बैठो। आज अगर माँ होती तो कितना अच्छा होता। भाई याद है कैसे हम दोनों बचपन में पटाखे छुड़ाने भाग जाते थे और माम दोनों को पकड़ पकड़ के पूजा करवाती थी। क्या यार, क्या बात करती तूने? ये तो कुछ भी नहीं, तुम दोनों की शैतानियों से मैं बहुत परेशान रहता था। रिश्तेदारों के लिए आई मिठाई उन तक पहुंचने से पहले तुम दोनों के पेट में पहुंच जाती थी। क्या हुआ, किसका कॉल है? जैन सर। जी सर, डेफिनेटली सर, नो प्रॉब्लम सर, आई कैन रिस्पॉन्ड सर। क्या हुआ? कुछ आतंकवादी घर में घुस आए हैं, उनको बाहर निकालना है ताकि सभी लोग खुशी से दिवाली मना सकें। पर भाई ये इसका कर्तव्य है, हमसे बढ़ के सबसे बढ़ के इसके लिए वतन है। बेटा तू जा और निकाल पे उन घुसपैठियों को अपने घर से, मुझे तुम पर विश्वास और गर्व दोनों है। अभी मिली बड़ी खबरों के साथ बीती रात देश की राजधानी दिल्ली में एक भयानक आतंकवादी हमला हुआ। आतंकवादियों ने एक व्यस्त बाजार में की गोलीबारी, जिसमें कई लोग घायल हो गए। हालांकि लोकेशन से नजदीक तैनात सैनिकों की टुकड़ी ने आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन उस गोलीबारी में हमने फिर से अपने देश का एक बेटा, एक जवान खो दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कैप्टन साहिल गुप्ता की, जिन्होंने बड़ी हिम्मत से। ये इसका कर्तव्य है, हमसे बढ़ के सबसे बढ़ के इसके लिए वतन है। भाई आप देश के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हो, अपनी फैमिली, अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर रहे हो, क्यों? ताकि दूसरे आराम से रह सके। मुझे और पापा को आप पे बहुत गर्व है।
साहिल देख रहा है, तेरे आने से घर में रौनक बढ़ गई है और दिवाली की खुशियाँ और बढ़ गई। कुछ आतंकवादी घर में घुसाए हैं, उनको बाहर निकालना है ताकि सभी लोग खुशी से दिवाली मना सकें। तो भाई